हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हिमानी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिमानी टिप्स में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही अच्छा और हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जो कि है पोहा। पोहा बहुत ही लाइट होता है, हेल्दी होता है और डेफिनेटली टेस्टी भी बहुत होता है। एज अ ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। हमारे यहाँ तो एटलीस्ट वंस इन अ वीक ये बन ही जाता है, क्योंकि इतना टेस्टी बनता है। और उसके पीछे एक स्पेशल रीज़न भी है, मेरे हस्बैंड पोहा बहुत अच्छा बनाते हैं। तो इस बार जो मैं पोहा रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो मेरे हस्बैंड ने बनाई है, और उनके हाथ का पोहा बहुत ही अच्छा बनता है। मेरी फैमिली में स्पेशली बहुत पसंद किया जाता है। मेरे हाथ का भी पोहा तो बहुत अच्छा बनता है, लेकिन मेरे हस्बैंड का जनरली फैमिली में सबसे ज़्यादा पसंद उन्हीं के हाथ का बनाया हुआ किया जाता है। तो पोहा तो मेरे यहाँ मेरे हस्बैंड के हाथों से ही बनता है ज़्यादातर। तो इस बार मैं आपके साथ अपने हस्बैंड की बनाई हुई एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिस जो है पोहा। सबसे पहले हम लेते हैं 250 ग्राम पोहा, जो कि ना बहुत पतला हो ना बहुत मोटा हो। ये जनरली 250 ग्राम पोहा 3 से 4 लोगों के लिए काफ़ी रहता है। पोहे को हमने धोकर भिगो लिया है कुछ देर के लिए, और उसमें हम डालते हैं सबसे पहले थोड़ा सा नमक। और इस पोहे को हम नमक डालने के बाद थोड़ी देर रख देंगे, और थोड़ी देर रखने के बाद ये पोहा थोड़ा पानी अब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसके बाद हमें इसमें जो गांठ बनती है वो हाथ से चलाकर खोल देनी चाहिए, जिससे कि गांठ भी खुल जाएगी और आपका नमक भी सारे में इवनली मिल जाएगा, नहीं तो कहीं पर फीका लगता है और कहीं पर नमकीन। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कड़ी पत्ता ली, थोड़ी हरी मिर्ची, 2 कटी प्याज, 3 कटे टमाटर और आधा नींबू का रस। साथ में हम लेंगे थोड़ी सी मूंगफली, ये हमने ली है कच्ची मूंगफली जो कि इसमें तेल में भुन जाएगी। हमने साथ में ली है हरी मटर, ये हमने बॉईल कर ली है पहले ही। और इसके साथ हमने लिया है बिल्कुल बारीक कटा हुआ आलू। आप देखिए, ये आलू को हमने पानी में भिगो रखा है, क्योंकि ये काला पड़ जाता है कटने के फौरन बाद, तो हमने इसे पानी में डाल दिया जिससे ये बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। अब हम इसके बाद लेते हैं कढ़ाई में तेल, हमने लिया है सरसों का तेल। आप चाहें तो देसी घी या कोई और ऑयल भी ले सकते हैं, मुझे सबसे अच्छा सरसों के तेल में लगता है, इसलिए मैं इस सरसों तेल में बना रही हूँ। अब इसमें हमने डाली है हरी मिर्च, अब हम इसे थोड़ा सा भुनने देते हैं। जब ये थोड़ा भुन जाए इसके बाद हम इसमें डालते हैं मूंगफली दाना। ये आपका थोड़ा भुन गया है, अब मूंगफली दाना ऐड करते हैं। अब 1-2 मिनट के लिए हम मूंगफली दाना को भी भूनते हैं। ये थोड़ा सा जब गोल्डन ब्राउन होने लगेगा तो उसके बाद हम इसमें डालते हैं राई। राई आप इसमें जब डालते हैं तो थोड़ा 1-2 इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद डालिए, नहीं तो वो सारी इधर उधर फैल जाती है। अब हम इसमें डालते हैं कटी प्याज, उसको भी डालने के बाद हमें थोड़ी देर को अच्छे से भूनना होगा इसको। तो जब ये अच्छे थोड़ा हल्का सा गोल्डन कलर आने लगता है उसके बाद हम इसमें डालते हैं आलू कटे हुए, लेकिन हम इसका पानी पहले ही निकाल देते हैं। अब इनको हम डालकर अच्छे से मिक्स करते हैं, और इसमें अब हम थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे जिससे कि हमारा आलू जल्दी ही गल जाएगा। वैसे तो हमने बहुत बारीक काटा है इसलिए ये जल्दी गल जाएगा, जितना बारीक कटा आलू होगा उतना ही जल्दी गलता है। और इसे और जल्दी गलाने के लिए हम इसमें नमक डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, इससे कि ये बहुत ही जल्दी गल जाएगा। ये ध्यान रहे कि जब हम इसे ढकते हैं तो एक तो इसमें कड़ी पत्ता पहले ही डाल दें जो कि भी तेल में भुन जाएगा, और आँच हम थोड़ा मीडियम से लो की तरफ ही रखें, नहीं तो हमारा मसाला जल सकता है। तो अब हम इसे ढक देते हैं तकरीबन 2-3 मिनट के लिए। अब आप देखेंगे कि 2-3 मिनट हो चुके हैं और मसाला भी थोड़ा भुना भुना लग रहा है, आलू भी हमारे गल चुके हैं। और अब हम इसमें अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे उबली हुई मटर। ये मटर भी डालने के बाद हमको लगभग 1 मिनट चलाना है, जिससे कि वो थोड़ा सा मसाला उनके ऊपर भी लग जाए। और हम इसमें टमाटर सबसे लास्ट में ऐड करेंगे, पहले हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा हल्दी। टमाटर हम इसमें लास्ट में इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि वो और सब्जियों की प्रोसेस स्लो कर देता है गलने की, तो इसलिए हम सबसे लास्ट में टमाटर को ऐड करते हैं। बाकी सारे मसाले डालने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा सा जरूर चलाते रहें जिससे वो मसाले अच्छे से मिल जाएं।
अब हम सबसे लास्ट में डाल रहे हैं टमाटर। टमाटर डालने के बाद भी उसे 1-2 मिनट के लिए थोड़ा भूनना होगा, जिससे कि वो अपना रसा भी सब सब्जियों में मिल जाए, उसका थोड़ा सा हल्का सा फ्लेवर आ जाए और वो मसालों का फ्लेवर भी ले ले। अब इसे अच्छे से चलाते हुए, हमें मिलाते हुए पूरा चलाना है 2 मिनट के लिए। अब हमने इसमें वो पोहा जो हमने पहले ही हाथ से खिला लिया था डाला है। आप देख सकते हैं कितना खिला खिला पोहा बना है, कहीं भी कोई गांठ नज़र नहीं आ रही है। ये एक अच्छे पोहे की पहचान है। मैंने पहले ही बताया था कि ना ज़्यादा मोटा हो पोहा, ना ज़्यादा पतला हो। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इस समय हम हीट मीडियम टू हाई की तरफ रख सकते हैं, जिससे कि ये फटाफट हमारा हीट होके कुक हो जाएगा। अभी हमारा पूरा कुक हो चुका है। सबसे लास्ट में हम इसमें डाल रहे हैं नींबू का रस। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा चीनी भी डाल सकते हैं। कुछ लोग जो कि आलू प्याज नहीं खाते हैं, वो इसमें इसकी जगह पनीर और आपका शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब इसकी खुशबू मैंने ली, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अभी से मेरा मन कर रहा है इसे खाने का। तो ये लीजिए, गर्मा गर्म पोहा प्लेट में तैयार है। आप इसमें थोड़ा सा बटर ऐड कर सकते हैं टेस्ट के लिए।